लुधियाना के सिविल हस्पताल दे विच लीवर की समस्या का इलाज करवाने लिए आए पति पत्नी ने हंगामा कर दिता। जी हाँ, इस दौरान उक्त व्यक्ति सिविल हस्पताल के फर्श से लेट गया और डॉक्टर के स्टाफ से उसने गंभीर दोष लगाए। इस व्यक्ति ने यह भी दोष लाया कि स्टाफ मैंबर ने उसनू थप्पड़ मारिया। मामले की जानकारी देंदे हुए मनीष कुमार नाँ के व्यक्ति ने फर्श से लेट के हंगामा कर दिता। पत्रकारों नाल गलबात करदिया उक्त व्यक्ति ने डॉक्टर के स्टाफ से गंभीर दोष लाए। मनीष ने दोष लाया कि उसकी पत्नी को रोजाना टीके नहीं लगाए जा रहे हैं और ना ही लोड़ी मात्रा के दवाइया मिल। मनीष का कहना है कि लुधियाना तो कांग्रेसी सांसद राजा वड़िंग ने पत्र दिता है। मनीष ने दसा है कि उसका अपना मामा सिविल सर्जन वजो तैनात है पर उसने मरीजा का टीकाकरण नहीं किया जा रहा। मनीष का इल्जाम है कि डॉक्टर हुण उसनू कह रहा है कि जेकर वो दोबारा टीका लगवाना चाहते हैं तो उसनू दवाई दे के लैके आना चाहिए। लेट के हंगामा करन दे मामले दे विच मनीष ने कहा कि उत्थे एक सिविल वर्कर सिख व्यक्ति ने उसनू थप्पड़ मार दिता। पीड़ित ने दसा कि वह पिछले दो दिनों तो कई बार अधिकारियों नू मिलन की कोशिश कर चुका है पर उसनू मिलन नहीं दिता जा रहा, जिस तो बाद कल वह SMO नू मिले अते मरीजां दा टीकाकरण करन दी बेनती कीती। पीड़ित ने दोष लाया है कि सरकार वल्लों पूरियां दवाइयां मिलन तो बाद भी मरीजां नू दवाइयां क्यों नहीं दित्तियां जा रहियां अते इस दे नाल ही उन्होंने अगे की किया आओ सुनदे आं। सारे डॉक्टर ने चोर मस्ती की बुलाओ चौकी वाले आओ जिहड़े पर्चे पाणे पाओ असीं नहीं उठणा इत्थों असीं उठणा ही नहीं। SMO नू इत्थे लिआओ। SMO ने मैनू कल दफ्तर च धक्का मारिया ना नंबर दूसरा मेरे पेशेंट के टीके लगते हैं, रोज मेरे पेशेंट के टीके नहीं लाए जाते। राजा वड़िंग साहब ने मैनु रेफर दिता होया वा, लैटर दिती हुई है, अपना परसनल नंबर दिता होया है, फिर भी मेरी इत्थे सुनाई नहीं होंदी। मेरा मामा इत्थे खुद सिविल सर्जन लगा होया। अज मेन प्रॉब्लम यह पई है कि टीके साढ़े रोज लगते हैं। मैडम कहती है कि दोबारा टीके लिखवा के लियाओ। उन्हें यह पूछो कि जब कल डायरेक्टर ने तेनू कहा, SMO ने कहा, सिविल सर्जन ने कहा, चीफ ने कहा, इस तो उपर तेनू केड़ा कह सकता। उत्थे सर एक सरदार आया, उन्हें आंदे मेरे दो चपेड़ा मारियां। सिविल दा वर्कर है, रोज ओदी मेरी बहस होंदी आ। 108 दे विच जाना उत्थे नहीं मेरी कोई सुनाई होंदी, 107 च जाना उत्थे नहीं मेरी सुनाई होंदी। उत्थे जिहड़े बाहर पीण बैठे आ वो मैनू अंदर डॉक्टर नाल गल ही नहीं करन देंदे। SMO नूं नवें नूं मैं कल भी मिल के गया, परसों भी मिल के गया, चौथ भी मिल के गया, पर वो ही नहीं सुनता। सर जिहड़े नवे आए ने मैनू पता आ, मेरे मामा जी नूं मिल के आए आ, उन्हां नाल मेरी हुण कोई गलबात नहीं हुई। कल उन्हां नाल मेरी गलबात हुई है, कल मैं उन्हां नूं कहा कि मैनू दवाई टीकियां दी जगह दवाई लिख दिओ। वो कहिंदे असीं नहीं लिख के दे सकदे ना, असीं तैनू टीके बाहर दे सकदे आ। निकल वालिआं ने पहला मैनू टीके बाहर देंदे रहे, बाद चों उन्होंने भी टीके देने बंद करते। इन्होंने शिकायत की कि तुसीं टीके क्यों बाहर देने हो गरीब बंदिआं नूं,
जे कोई हैल्प कर लिया इत्थे ते ओदा मतलब यह है भी SMO नू रोक दूगा। किसी गरीब की कोई संस्था हैल्प कर रही है तो तुसी उन्हूं रोक सकते हो? संस्था अपने कोला हैल्प कर रही है तुहाडे सरकारी माल चो तो नहीं हैल्प कर रही, तुहानू सरकार वालों माल पूरा आंदा, तुसी गरीब बंदे नू क्यों नहीं देंदे? MLA नाल गलबात हुई है सवेरे, MLA नाल दोबारा गलबात करनी है, दोबारा करा देना। सोनिया वर्मा जनकपुरी। सर मैं यहाँ पहले एडमिट रह चुकी हूँ मई में, जो मतलब जुलाई में, तो उन्होंने मतलब इलाज मेरा चल रहा था, स्मेलिंग आई हुई है मेरे पूरे शरीर में लीवर पे, तो यहाँ से मुझे चंडीगढ़ रेफ़र करा, वहाँ हड़ताल चल रही थी। अच्छा। फिर वहाँ से वापस आए तो उन्होंने पटियाले रेफ़र करा, पटियाले में गई, उन्होंने सारे चेकअप वगैरह करा, सब कुछ करा, उन्होंने अब मुझे कैंस का ये बोला कि भाई इंजेक्शन लगने हैं आपको, सात दिन इंजेक्शन लगे थे, बीच बीच में आना का नहीं कर रहे थे ये, कभी SMO से सेंड करा के लाओ, कभी डॉक्टर से दोबारा लिखवा के लाओ, पर्ची करवाओ, हैं आज भी सातवां दिन था तो कैंस का इंजेक्शन लास्ट बार ही लगना था। नर्स कहने लगी कि भाई आप उससे लिखवा के लेकर आओ अंदर, मैडम से लिखवा के लाओ, तो जब अंदर गई तो कैंस का वो करी, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि भाई 7 दिन लगने। अब वापस आई तो मैंने इन्हें कहा कि भाई 108 से लिखवा के ला दो अपने हस्बैंड को, तो कहने लगे 18 तारीख को मेरी पर्ची बनी, 7 दिन तो वैलिड होती है, आज 7वां दिन था। उसमें कहने डॉक्टर कह रहे गलत फहमी हो गई होगी, आपको हो गई होगी या नर्स को हो गई होगी, बस सुनवाई है नहीं। अगर जिसकी सिफारिश है, जिसकी जुत्ती है उसकी है यहाँ पे, क्योंकि जरी जरी बात पे SMO से सेंड करा के लेके आओ, हैं उससे करा के लाओ, बिना उसके कोई सुनवाई नहीं है जब तक तुम्हारी पहुँच, जिनकी पहुँच है कई ऐसे देखे। पिछली दफ़ा मैं आई अभी परसों, किसी को यहाँ पे चाहिए था वो क्या कहते हैं जो दस्त वगैरह लगते हैं उसमें कौन सा पाउडर होता है वो पाउडर था, तो यहाँ पे कोई मांगने आया। वैसे अगर गरीब बंदा या मरीज़ होगा वो मांगेगा, उसे एक या दो पैकेट देते हुए भी ये सोचते हैं दे कि ना दे, उसे पूरी की पूरी पेटी चकवा दी, क्या वो पेटी 2 दिन में पी लेगा या 4 दिन में पी लेगा? इस मामले में जो नए SMO आए उनसे आपकी बात हुई है कोई? मेरी नहीं हुई थी, मेरे हस्बैंड की हुई थी सर। अच्छा, जो अंदर एमरजेंसी में रोला पड़ रहा है वो कौन है आपके? क्या मेरे हस्बैंड है, इंजेक्शन लगना था, 7वां दिन है, वो कह रहे लिखा के लाओ, बल्कि सरकारी पर्ची 8 दिन वैलिड होती है, तो कह उसका वो कह रहे दोबारा लिखा के लाओ, नहीं लगा, वो कह रहे गलत फहमी हो गई है आपको। लोग तो भरोसा करके आते कि हमारा इलाज होगा, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, आम बंदे की कोई सुनवाई नहीं है, जिसकी पहुँच है या जिसकी जुत्ती है सिफारिश है उसका हर काम होता है यहाँ पे। देखो जिहड़ा ये बंदा जिन्हें हंगामा किया है, मैं हुण तुहाडे माध्यम राही मैं पता लग्या, मैं डॉक्टर साहब का भी उत्थों फोन आया सी, ये बंदा लगातार 3-4 दिन तो जिहड़ा है सिविल हस्पताल दुआ रहा, मेरे ऑफिस भी आया सी, परसों भी आया सी, इहदी वाइफ नूं जिहड़े हैगे आ इत्थों टीके लगने सी, परसों मैनू कह रहा सी कि मैनू तुसीं जिहड़े हैगे टीके दे दो, मैं मतलब कि इकट्ठे टीके जिहड़े है घर जा आपे लगवा लवां। फिर असीं इहनूं ये गल समझाई भी टीके असीं तैनूं नहीं दे सकते, साडी जिहड़ी कल्ली कल्ली चीज़ आ ऑनलाइन हुंदी है, असीं अपने जिहड़े सारे पेशेंट आ उहदा सारा कुछ साडा ऑनलाइन बुकड हुंदा हैगा है, ते टीके असीं तैनूं नहीं दे सकते, तूं इत्थे आ फाइल बनवा, कोई गल नहीं, बेशक सवेरे आके शाम नूं आके अपने टीके जिहड़े हैगे लगवा के चल जाओ, तां जो इनडोर दी जिहड़ी हैगी है तुहाडी एंट्री टाइम टू टाइम फाइल ते लिख के तुसीं कर सकदे करना। बट उस दिन भी इस बंदे ने हंगामा कीता, कल फिर मेरे को आया, कल भी ये बंदा मेरे नाल भी कुछ बदतमीजी करके गया, कई बंदे ही अनसाउंड माइंड के होंगे है जी, क्या उन्होंने काम ही यह होंगे या किसी की उकसाहट चाहे होंगे है या आप ही उन्होंने काम ही होंगे कि ना मैं आप शांत रहना ना दूजे को शांत रहना, ठीक है ना। सो ये बंदा जिहड़ा हैगा इदां दी सोच वाला यह बंदा, और अज भी तुसीं देखिया जिस वेले तुहाडे नाल भी यह बाइट कर रहा सी तुहानूं आप नूं लगा कि बंदा जिहड़ा है साउंड माइंड का होगा? टोटली अनसाउंड माइंड, पहलां तो मैं यह सोचा सी कि क्यों ना मैं इस ते जिहड़ा हैगा ऑब्स्ट्रक्शन टू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ड्यूटी जिद्दां इह साडे एमरजेंसी स्टाफ नूं खराब कर रहा, उन्हां नाल बदतमीजी नाल बिहेव कर रहा, भी मैं इहदे ते जिहड़ा हैगा पुलिस नूं इहदी कंप्लेंट देवां। बट फिर मैं सोचा कि जे
असी भी उही कुछ ये लैवल से ही आके सोच लग पे तो फिर ये साढ़े फर्क की है। नहीं होर स्लिप नहीं, फाइल बनी हुई है इदा का मतलब कि कोई गल नहीं। जे तुहानू इहदी वाइफ ने कहा है कि वो टीके जिहड़े हैगे आ लग रहे हैगे आ, दैट मीनस वो टीके लगे आ, ते तां ही उहने कहा ना। और तुसीं इस बंदे दी ते इहदी वाइफ दे कहण च तुसीं आप ही फर्क महसूस कर सकदे हो कि जे स्टाफ ने उहनां नाल बदतमीजी करदे हो। कोई पहलां भी इदां दा इंसीडेंस हुंदा, बट मैं ते इस बंदे नूं 3-4 दिन तों लगातार देख रहा हैगा ये बंदा जिहड़ा हैगा बदतमीजी करदा है। सर जिहड़े बंदे इत्थे आ के बदतमीजी करदे ने उहनां वास्ते इत्थे सिक्योरिटी रखी गई है, तां उहनां वास्ते कोई ना कोई सेक्शन जिहड़ा लगना नहीं चाहीदा, कोई पाबंदी लगनी चाहीदी? लगनी चाहीदी है जी, बट डॉक्टर का काम हुंदा कि हर एक चीज़ नूं जिहड़ा है सबर प्यार नाल जिहड़ा है लोकां नूं टैकल करे। सो असी जिहड़ा है असी इहनूं भी कल भी इहनूं प्यार नाल समझा के भेजा, परसों भी इहनूं प्यार नाल समझा के भेजा, असी तां इही कोशिश करदे कि अज भी इहनूं प्यार नाल समझा के भेजिए। पर हुण जे बंदे दी किसे दी साइकी इदां दी है तां फिर आपां उहदे विच की कर सकदे।